हम जब फुल माउथ इम्प्लांट केस करते हैं तो मिनिमम जरा सा भी का एंगुलेशन अगर इधर से उधर हो गया तो हमारी रेस्टोरेशन बनाने के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं पर मल्टी यूनिट अपार्टमेंट ये चैलेंजेस काफ़ी आसानी से सॉल्व कर देता है मल्टी यूनिट अपार्टमेंट हमारी और हमारी पेशेंट की लाइफ काफ़ी ईजी बना देता है हाय मैं जी डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा मल्टी यूनिट अबटमेंट का आसान से शब्दों में यह मतलब है वो अबटमेंट जो टेढ़े मेढ़े डले हुए इम्प्लांट का भी एंगल सीधा कर दे और हम आसानी से रेस्टोरेशन दे पाएं ज़्यादातर मल्टी यूनिट अबटमेंट का प्रयोग फुल माउथ केसेस के अंदर ही होता है जहां पर इम्प्लांट की डायरेक्शन एक दूसरे से पैरल नहीं होती बल्कि उसके अपोजिट होती है मल्टी यूनिट अबर्टमेंट एक तरीके से कनेक्टर का, का काम करता है इम्प्लांट और स्क्रू रिटेन प्रोस्थेसिस के अंदर ज्यादातर सारी डेंटल इंप्लांट की कंपनियां मल्टी यूनिट अपार्टमेंट्स बनाती है और इनके एंगल कोई स्टैंडर्डाइज नहीं होते हर कंपनी अलग अलग एंगल्स बना सकती है ज्यादातर मल्टी यूनिट अपार्टमेंट जीरो से लेके 45 डिग्री तक बनाती है और इतनी सारी अपार्टमेंट के अंदर से आपको कौन सी मल्टी यूनिट अपार्टमेंट यूज करनी है इस बात का फैसला आप प्लानिंग स्टेज के अंदर ही कर लो तो ज्यादा अच्छा है अगर मल्टीपल इम्प्लांट्स लगे हुए हैं अलग अलग डिफरेंट हाइट्स के ऊपर तो हम इस मल्टी यूनिट अपार्टमेंट से उस हाइट डिफरेंस को भी सेम लेवल पे कर सकते हैं और ये काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं क्योंकि मल्टी यूनिट अपार्टमेंट डिफरेंट जंजाइवल हाइट्स के अंदर अवेलेबल होती हैं और हम करेक्ट जिनजल हाइट को यूज़ कर सकते हैं और अगर हम सेम लेवल के ऊपर रेस्टोरेशन बनाएंगे तो पेशेंट को रेस्टोरेशन के अंडर सरफेस को क्लीन करना काफ़ी आसान होगा और हमारी रेस्टोरेशन काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी मुझे पर्सनली जो मल्टी यूनिट अपार्टमेंट का बेस्ट पार्ट लगता है वो ये लगता है कि अगर आपने मल्टी यूनिट अपार्टमेंट एक बार लगा दी तो आपको उसको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आप जब इंप्रेशन लोगे आप जब बार बार प्रोसेस चेंज करोगे कभी टेम्पररी लगाओगे कभी मेटल ट्रायल चेक करोगे कभी अनग्लेज ट्रायल चेक करोगे कभी ओक्लूजन के करोगे इन सारे प्रोसेस के अंदर आपको जो जिंजाइवल कॉलर जो हमारा बहुत ब्यूटीफुली बना है उसको टच करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा सारा काम ऊपर से ही हो जाता है और हमारा जो ये सॉफ़्ट टिश्यू है बार बार टीयर होने से ट्रामा होने से बच जाता है मान लेते हैं कि आप फुल आर्च इम्प्लांट केस कर रहे हैं तो आपको कितनी प्राइमरी ट्रायल में, में ट्रायल, में, ट्रायल में और फिर फाइनल में उसके बाद भी जरूरत पड़ेगी जब आप पेशेंट रेगुलर चेकअप के ऊपर आएगा अगर हम मिनिमम भी मान के चलें तो आपको पांच से छह बार जिंजाइवा को री एंटर करना पड़ता है जो हर बार ये चांसेस देगा कि ओरल बैक्टीरिया उस जिंजाइवल कॉलर के अंदर घुस जाए और सॉफ्ट टिश्यू कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दें पर क्योंकि हम मल्टी यूनिट अपार्टमेंट सर्जरी के दौरान ही लगा देते हैं तो आपको दोबारा कभी जिंजाइवा को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती हमारी मल्टी यूनिट अपार्टमेंट टाइम सेविंग भी है इमेजिन करो आप हीलिंग कैप निकालते हो देन सॉफ्ट टिश्यू को क्लोराक्सिडीन से इरिगेट करते हो एंड फिर जो आपको प्रोसेस करना है वो करते हो एंड मील वाइल आपका असिस्टेंट हीलिंग कैप को क्लीन करके स्टरलाइज करता है देन आप दोबारा लगाते हो मल्टी यूनिट आपका ये सारा टाइम बचा लेता है मल्टी यूनिट अपार्टमेंट की एक खूबसूरती ये भी है कि आपको अपनी रेस्टोरेशन डिजाइन के लिए स्पेशली प्रोस्थोडोन की मदद लेने की जरूरत नहीं है आपके मल्टी यूनिट बस आपस में पैरल दिखने चाहिए 100 परसेंट एक्यूरेसी की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी मल्टी यूनिट अपार्टमेंट छोटी मोटी मिस्टेक को माफ़ कर देती है मल्टी यूनिट अपार्टमेंट की एक और अच्छी बात मुझे ये लगती है कि मल्टी यूनिट में दो स्क्रू होते हैं एक बिग स्क्रू जो इम्प्लांट में जाएगा और एक स्मॉल स्क्रू जो प्रोस्थिसिस के साथ ही अटैच होगा अब आप एक सिनेरियो को इमेजिन करो इम्प्लांट के अंदर स्क्रू फ्रैक्चर हो गया व्हाट विल यू डू क्या स्क्रू रिट्रीव करना आपके लिए इजी होगा बट इन मल्टी यूनिट अपार्टमेंट ये सेकेंडरी स्क्रू जो स्मॉल वन है ज़्यादातर वही फ्रैक्चर होगा और आप आसानी से मल्टी यूनिट को इजीली रिमूव करके एक्स्ट्रा ओरल स्क्रू निकाल सकते हो या फिर मल्टी यूनिट ही चेंज कर दो सो so, हमारी लाइफ कितनी आसान हो गई अब चलते हैं हम मल्टी यूनिट अपार्टमेंट का प्रोसीजर भी डिस्कस कर लेते हैं इसका प्रोसीजर इतना आसान है कि आप अपने पेशेंट के एग्जिस्टिंग डेंचर को ही इम्प्लांट स्क्रू रिटेन बना सकते हो और ये सारा काम मल्टी यूनिट के कारण ही पॉसिबल है डेंचर को स्क्रू रिटेन प्रोस्थेसिस बनाने की जो डिटेल है वो हम ऑल ऑन फोर की टेम्पोरिरी रेस्टोरेशन के अंदर डिस्कस करेंगे अभी के लिए सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं स्टेप नंबर वन हीलिंग अबटमेंट को रिमूव करो स्टेप टू सिलेक्ट जिंजाइवल हाइट एंड एंगुलेशन ऑफ मल्टी यूनिट अबटमेंट फिर मल्टी यूनिट अबटमेंट के स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर दो अब हमें 15 न्यूटन टॉर्क ही रखनी है नेक्स्ट है इंप्रेशन मल्टी यूनिट अबटमेंट का जो इंप्रेशन है वो नॉर्मल इम्प्लांट इंप्रेशन की ही तरह होता है जो कि दो तरीके के होते हैं फर्स्ट इज ओपन ट्रे एंड सेकेंड इज क्लोज ट्रे जैसा कि हम जानते हैं ओपन ट्रे बेटर है पर अगर माउथ ओपनिंग की लिमिटेशन है तो आप क्लोज ट्रे भी ले सकते हो इंप्रेशन का पहला स्टेप है कि आप ओपन या क्लोज ट्रे इंप्रेशन को मल्टी यूनिट अपार्टमेंट से कनेक्ट कर दो फिर आपको उसका कनेक्शन चेक करना है कि वो प्रॉपरली सीटेड है या नहीं है अगर आपको किसी भी केस में डाउट है तो आप एक्सरे से इस बात को कंफर्म कर सकते हो थर्ड स्टेप के अंदर हम इंप्रेशन कॉपिंग को स्प्लिंट करेंगे फोर्थ स्टेप में हम हैवी बॉडी से इंप्रेशन ले लेंगे और फिफ्थ स्टेप के अंदर हम अपना इंप्रेशन को पोर कर लेंगे मल्टी यूनिट अपार्टमेंट के कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं जैसे एडिशनल माइक्रो गैप आ सकता है मल्टी यूनिट के कारण कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और मल्टी यूनिट में क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्क्रू है तो स्क्रू से रिलेटेड प्रॉब्लम एक्स्ट्रा हो सकती हैं जैसे स्क्रू लूजनिंग स्क्रू फ्रैक्चर मल्टी यूनिट अपार्टमेंट के फायदे के सामने ये सारे इशू काफी छोटे हैं मल्टी यूनिट अपार्टमेंट के कारण आपके रेस्टोरेशन पैसिव और प्रिडिक्टेबल होना काफ़ी आसान है अगर आप भी मल्टी यूनिट अपार्टमेंट ऑल ऑन फोर ऑल ऑन सिक्स टिल्टेड इम्प्लांट जैसी ट्रीटमेंट्स आप अपने क्लिनिक के अंदर देना चाहते हैं उनको सीखना चाहते हैं तो जीडीएस डेंटल एकेडमी आपका स्वागत करती है हम यहाँ पर पर्सनली के अंदर आपका हैंड होल्ड करेंगे आपको चीज़ें सिखाएंगे और तब तक सिखाएंगे जब तक आप सीख ना जाओ थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोज़ थैंक यू